आज हम इस वीडियो में जो लेसन पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेसन होने वाला है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे वर्ड मीनिंग, स्ट्रक्चर्स, ग्रामर ये सब यूज़ हुई है, तो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा आज का ये लेसन। तो ये लेसन है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, क्लास सिक्स का फिफ्थ लेसन, राइट। क्लास सिक्स के पिछले चार लेसन्स में आपको पढ़ा चुका हूँ पूरे डिटेल में विद फुल एक्सप्लेनेशन। आज हम पढ़ेंगे अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल फॉर इम्प्रूविंग आर इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए अब मैं आपको इस पूरे लेसन को स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ के दिखाता हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुनते जाइएगा और बहुत सारे वर्ड आएंगे जिनको आपको याद करना है। और मेरे कोर्स के बारे में आपको मैं एंड में बता दूंगा, तो इसके लिए आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप को अभी डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे आपके सामने सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप बाद में चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको रीड करना। तो ये आप स्कूल देख रहे हैं, ये एक अलग तरह का स्कूल है। आप ये एक गर्ल देख रहे हैं जिसके आईज पर एक पट्टी बंधी हुई है, एक छोटा बॉय इसको लीड कर रहा है। तो अब आपको पढ़ के ही समझ में आएगा ये क्या चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई हैड हर्ड कि मैंने सुना था, मैं सुन चुका था अ ग्रेट डील, बहुत कुछ अबाउट के बारे में, किसके बारे में, मिस बीम्स स्कूल। तो ये मिस बीम जो है ये इस स्कूल की प्रिंसिपल है और इसका ये स्कूल था। तो इस स्कूल के बारे में वो जो भी नरेटर है जो इसको सुना रहा है वो कह रहा है कि मैं बहुत कुछ सुन चुका था इस मिस्टर बीम के स्कूल के बारे में। अब यहाँ पे एक वर्ड आया, इसको आप याद कर लें, अ ग्रेट डील, इसका मतलब क्या होता है, बहुत कुछ, राइट। तो अच्छे से याद कर लें अ ग्रेट डील, आप इसको अपनी नॉर्मल इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैव हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट यू, आई हैव हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट योर बिजनेस, आई हैव हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट योर विक्ट्रीज, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, मैंने मिस बीम्स के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था, बट नॉट टिल लास्ट वीक, लेकिन पिछले हफ्ते तक नहीं, डिड द चांस कम, मौका मिला टू विजिट इट, इसको विजिट करने का। तो इसका मतलब क्या है कि पिछले हफ्ते ही मुझे मौका मिला, वो नरेटर कह रहे हैं कि मुझे पिछले हफ्ते ही मौका मिला इस स्कूल को विजिट करने का, उससे पहले नहीं मिला था। तो ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, बट नॉट टिल लास्ट वीक, पिछले हफ्ते तक नहीं चांस मिला था मुझे आने का, मतलब चांस नहीं आया था विजिट करने का इस स्कूल को। तो शॉर्ट में बताऊँ तो कि मुझे पिछले हफ्ते ही उस स्कूल में जाने का मौका मिला, ये मतलब है। तो आगे इसके क्या है, वेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, अराइव मतलब आगमन होना, पहुंचना उस स्थान पर, देयर वॉज नो वन, वहाँ कोई नहीं था, इन साइट दृश्य में, मतलब दृष्टि में कोई नहीं था, आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो इन साइट मतलब क्या होता है, टू बी सीन, यानी कि कोई नज़र नहीं आया, कोई दृष्टि में नहीं आया, कोई दिखाई नहीं। बट लेकिन अ गर्ल, एक लड़की दिखी ऑफ अबाउट 12, जो लगभग 12 साल की थी, हर आइज़, उसकी आंखें वर कवर्ड, वो ढकी हुई थी विद अ बैंडेज, एक पट्टी के साथ। अब बैंडेज का मतलब क्या होता है, पट्टी, पट्टी को बोलते हैं बैंडेज। अब आपने ये देखा ये लड़की, तो ये है बैंडेज, पट्टी बंधी हुई है आँख पर, तो इसको देखा सिर्फ और कुछ नहीं उसको दिखा। एंड और She was being led. अब यहाँ पर आप ध्यान से समझे, She was being led. अब lead मतलब क्या होता है, रास्ता दिखाना, guide करना, तो lead की third form होती है led, और यहाँ पर being लगा है, इसका मतलब ये passive voice है, past continuous. तो she was being led मतलब हुआ उसको guide किया जा रहा था, उसको रास्ता दिखाया जा रहा था carefully, बहुत ही ध्यान से। Between द फ्लावर बेड्स, जो फ्लावर की, जिनको आप क्यारियाँ बोलते हैं, आप ये पढ़ लीजिए, फूलों की क्यारियाँ, तो जो फूलों की क्यारियाँ होती हैं उनको बोलते हैं फ्लावर बेड्स। तो उसके बीच से उसको ले जाया जा रहा था हाथ पकड़कर, बाय अ लिटल बॉय, एक छोटे लड़के के द्वारा। अब उसके बाद लड़के के बारे में कुछ बता रहे हैं, हु, जो, वॉज, था, अबाउट 4 ईयर्स यंगर, 4 साल छोटा, मतलब लगभग 4 साल जवान था उस लड़की से। अब मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ, इस लड़की से लगभग 4-5 साल ये छोटा लगता है, तो वही लिखा है। अब यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु वॉज अबाउट
फोर ईयर्स यंगर. शी स्टॉप्ड, वह रुक गई. एंड और इट लुक्ड लाइक, ऐसा लगा या फिर ऐसा लग रहा था. तो दोनों में इट लुक्ड लाइक. शी आस्क्ड हिम, ऐसा लग रहा था कि उसने उससे पूछा. हु हैड कम, कि कौन आया है. तो ये स्ट्रक्चर जो हमारा है, दिस इज नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन. जब हम इसको डायरेक्ट में बोलते हैं, शी सेड टू हिम हु हैज़ कम, उसने ऐसा बोला होगा. लेकिन इनडायरेक्ट में शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन है. ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग, अब ये स्ट्रक्चर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है. अब आप देख लीजिएगा वीडियो नंबर 128 या 129 समथिंग होगा, जिसपे मैंने 10 एडवांस्ड कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसमें ये सारे दे रखे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट. तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ. इट सीम्ड दैट ऐसा लगा कि ही इज डिस्क्राइबिंग, ही वॉज डिस्क्राइबिंग, कि वो डिस्क्राइब कर रहा था, वर्णन कर रहा था मी, मेरे बारे में. टू हर, उसको, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जो लड़का है वो मेरे बारे में उस लड़की को बता रहा था. और ये एडवांस्ड में क्या होता है, इट सीम्ड जो होता है, इट को रिप्लेस कर देते हैं सब्जेक्ट के साथ, और कंटिन्यूस होता है तो टू बी लगा के आईएनजी फॉर्म. तो देख लीजिएगा वीडियो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. तो ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, तो ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बारे में वर्णन कर रहा था उस लड़की को. देन फिर दे पास्ड ऑन, फिर वो वहाँ से निकल गए. इसके बाद मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. तो मिस बीम वॉज ऑल, मतलब मिस बीम वैसी ही थी, मतलब सब कुछ वैसा ही था. दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने उससे उम्मीद किया था उसके बारे में. तो दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, तो ऑल के साथ हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. तो मिस्टर बीम, मिस बीम वैसी ही थी, सब कुछ वैसे ही था उसमें जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था. क्या क्या थी, मिडल एज्ड होता है लगभग 40-45 और 50 के बीच में, तो मिडल एज्ड थी. फुल ऑफ अथॉरिटी थी उसके पास. अथॉरिटी मतलब क्या होता है, पावर. तो वो इंचार्ज थी, यानी कि फुल कंट्रोल था उसका स्कूल के पास. तो फुल ऑफ अथॉरिटी थी उसके पास. येट, फिर भी. काइंडली थी वो, काइंडली मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए फ्रेंडली. और एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझदार थी. तो काइंडली मतलब फ्रेंडली, और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदार. तो मिस बीम सब कुछ थी जैसा मैंने उम्मीद किया था, मिडल एज्ड थी, उसके पास फुल अथॉरिटी थी, वो फ्रेंडली थी और समझदार भी थी. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उसके जो बाल थे वो ग्रे होना शुरू हो गए थे. यहाँ पे ग्रे का मतलब है वाइट होना, तो वाइट होने से पहले हल्के हल्के ग्रेइश होते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रे होना, मतलब इसको बोलते हैं वाइट होना. तो उसके बाल शुरू हो गए थे वाइट होना, राइट. एंड और शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, और वो हल्की सी क्या थी, थोड़ी सी गोल मटोल थी. प्लम्प मतलब क्या होता है, हल्का सा फुला हुआ. तो उसकी जो फिगर थी कैसी थी, हल्की फुली हुई, जैसे छोटे गोलू मटोलू बच्चे से होते हैं. गोलू मोलू बच्चे तो देखे होंगे, थोड़े थोड़े फुले होते हैं, बहुत मोटे नहीं होते, बट थोड़े थोड़े फुले. तो वैसी ही वो थी, शी हैड द काइंड ऑफ पल्प फिगर. दैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, जो कि ऐसे प्रतीत होती थी जैसे वो आराम पहुंचा रही है किसी भी होम सिक चाइल्ड को. अब ये होम सिक क्या होता है, होम सिक मतलब होता है घर की याद आना. जैसे हम एक वर्ब करते हैं टू फील होम सिकनेस, हम बोलते हैं आई एम फीलिंग होम सिकनेस, मतलब मुझे घर की याद आ रही है. सेम होम सिक चाइल्ड क्या हुआ, एक ऐसा बच्चा जिसको अपने घर की याद आ रही हो, क्योंकि इस स्कूल में जो बच्चे आ रहे थे वो वहाँ पे रहते थे, तो इसका मतलब उनको घर की याद आती होगी. तो उस वो जो प्लम्प फिगर थी वो कैसा था, जैसा उन बच्चों को कंफर्ट महसूस हो रहा हो. तो कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, और ये लाइकली का स्ट्रक्चर हमारा, लाइकली मतलब ऐसा संभावना है. तो एडवांस्ड में ये यूज़ हो रखा है स्ट्रक्चर. सिंपल में बोलते हैं इट इज़ लाइकली दैट शी इज़ कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड. तो इस तरह से सिंपल में आती है, बट ये एडवांस्ड में ट्रांसलेशन है. तो वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, वो 10 कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, 127, 28, 29, 30 वाली वीडियोज़. तो वो थोड़ी सी हल्की सी मोटी थी, गोलमटोल सी थी, बहुत ज़्यादा नहीं.
जिसको देखकर एक बच्चा जिसको होम सिकनेस है, घर की याद आ रही है, तो वो भी अच्छा महसूस करता था. इन शॉर्ट ये मतलब है. अब इसके बाद आई आस्क्ड हर, अब मैंने उससे पूछा, पूछे सम क्वेश्चंस, कुछ सवाल अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में, विच जिनके बारे में आई हैड हर्ड, जिनको मैंने सुना सुना था, विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जिनके बारे में मैंने सुना था कि वो बहुत सिंपल हैं. तो मैंने उनसे कई सवाल पूछे उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में, जो कि मैंने सुने थे बहुत सिंपल हैं. तो ये पास्ट की बात हो रही है, वर सिंपल, और जब हम डबल पास्ट दिखाते हैं तो पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं. तो अब आगे, नो मोर देन इज़ नीडिड, कह रहे हैं ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए, देम मतलब बच्चों की बात हो रही है, तो नो मोर देन मतलब किससे ज़्यादा नहीं, अभी तक हमने किसी चीज़ की बात ही नहीं करी, किससे ज़्यादा की जरूरत नहीं थी. अब यहाँ पे आप देखिए हाइफन लगा हुआ है, तो सिंपल स्पेलिंग्स मतलब एक तो सिंपल स्पेलिंग्स की, एडिंग की, सब्ट्रैक्टिंग की, जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना एंड राइटिंग. तो इन चीज़ों के अलावा कह रहे हैं कि नो मोर देन ये वाली चीज़ें इज़ नीडेड, इनसे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, टू हेल्प देम उनकी मदद करने के लिए, टू लर्न ये सीखने में, हाउ टू डू थिंग्स कि चीज़ें कैसे करनी है, मतलब इन सिंपल चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उनको सिखाने की कि चीज़ें कैसे की जाती हैं, वो इनफ थी. तो ये इसमें कहा जा रहा है. आगे लिखा है द रेस्ट इज़ डन, बाकी किया जाता था, किया जाता है. अब ये हमारा पैसिव वॉइस है, द रेस्ट मतलब बचा हुआ, बाकी द रेस्ट इज़ डन बाकी किया जाता है, बाय रीडिंग टू देम उनको पढ़कर सुनाकर, जैसे हम किसी को, जैसे अभी मैं आपको रीडिंग करके ये चीज़ सुना रहा हूँ, तो मैं आई एम रीडिंग टू यू, राइट. तो बाकी उनको रीडिंग करके मतलब पढ़ाकर सिखाया जाता था, एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और कुछ दिलचस्प बातें सुनाकर. तो इंटरेस्टिंग टॉक्स मतलब दिलचस्प बातें, तो उनसे वो सीखते थे. ड्यूरिंग विच जिसके दौरान, अब ये ड्यूरिंग विच सेंटेंस को जोड़ रहा है, जिसके दौरान दे हैव टू सिट स्टिल, उनको स्टिल बैठना पड़ता है, मतलब बिना हिले डुले बैठना पड़ता है, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और उनको अपने हाथ नहीं मूव करने पड़ते, यानी कि अपने हाथों को एक ही पोजिशन पर रखना पड़ता है. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, तो प्रैक्टिकली वास्तव में व्यवहारिक रूप से और कोई लेसन हुआ नहीं होते थे, इन सिर्फ इतना ही होता था. तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा. तो पूरे का मतलब हुआ कि सिंपल स्पेलिंग, एडिंग एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, इनके अलावा उनको कुछ ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं होती थी कि किस काम को कैसे करना है वो सिखाने के लिए. तो उनको बाकी चीज़ें पढ़कर सिखाई जाती थी, और कुछ इंटरेस्टिंग टॉक्स होती थी, और जिसके दौरान उनको बिल्कुल स्टिल बैठना पड़ता था, स्थिर बैठना पड़ता था, और अपने हाथ बिल्कुल शांत रखने पड़ते थे, यानी कि एक ही जगह पर, और प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से और कोई और लेसन वहाँ नहीं थे. और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारा का सारा प्रेजेंट में बताया गया है. तो इसके बाद अब फिफ्थ इज़ द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़, अब ये जो वर्ड है ये जो प्रेजेंट में दिखा रखे हैं, तो ये किसी के कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड्स हैं. तो जैसे जो नरेटर इसको सुना रहा है, बता रहा है अपनी कहानी, तो उसको तो जो जो कहा गया उसने वो एग्जैक्ट यहाँ पे लिख दिया, तो इसीलिए इनको प्रेजेंट में रखा गया है. और जो वो अपनी लैंग्वेज यूज़ करके बता रहा है वो पास्ट में. तो द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का असली उद्देश्य इज़ है नॉट सो मच टू टीच थॉट्स, मतलब बहुत सारे विचार सिखाना नहीं. तो द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थाट्स, मतलब बहुत ज़्यादा विचार सिखाना नहीं है इसका एम, एज टू टीच, बल्कि ये सिखाना है क्या, थाटफुलनेस, कि विचारशीलता कैसे होती है, यानी कि विचार कैसे पैदा करने हैं. तो बहुत सारे विचार नहीं सिखाए जाते कि ये व्यक्ति का विचार ये है, उसका ये विचार है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, तो बहुत सारे थाट्स में नहीं पढ़ते उनको, बल्कि खुद सोचना सिखाया जाता है. थाटफुलनेस मतलब खुद कैसे सोचना है. और क्या सिखाया जाता है, काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालु कैसे रहना है, दयालुता सिखाई जाती है, काइंडनेस मतलब दयालुता, एंड और बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेदार नागरिक होना सिखाया जाता है, बीइंग मतलब होना, तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होना, सिटीजन जिम्मेदार सिटीजन होना सिखाया जाता है.
लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, कह रहे हैं एक मिनट खिड़की से बाहर देखो, विल यू, देखोगे क्या? तो ये हमारा क्वेश्चन टैग का लेसन है, देख लीजिएगा क्वेश्चन टैग लेसन नंबर, मुझे याद नहीं, उसमें 8 या 9 रूल्स मैंने आपको पूरे बताए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और नॉर्मल स्पीकिंग में भी यूज़ होते हैं। तो अब वो मिस बीम जो है वो उनको कह रही है कि एक मिनट बाहर देखो, देखोगे क्या? तो अब क्या होता है, अब ये कह रहा है आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो के पास गया, विच ओवर लुक, जिसमें से क्या दिख रहा था, अ लार्ज गार्डन, एक बहुत बड़ा गार्डन, एंड अ प्ले ग्राउंड, और एक मैदान एट द बैक, पीछे। तो लार्ज क्या होता है, बिग क्यों नहीं यूज़ किया, बिग मतलब हाइट से रिलेटेड होता है और लार्ज मतलब एरिया वाइज, राइट? तो बिग माउंटेन्स, बिग बिल्डिंग, यानी कि हाइट रिलेटेड। जब हम एरिया की बात करते हैं तो हम स्मॉल और लार्ज की बात करते हैं, जैसे आप जब किसी भी जूस कॉर्नर पे जाते हैं तो आप बोलते हैं लार्ज ग्लास, स्मॉल ग्लास, तो वो एरिया की बात होती है। तो कह रहे कि जब मैं खिड़की के पास गया तो मैंने क्या देखा, लार्ज गार्डन एंड प्ले ग्राउंड देखा एट द बैक, पीछे। व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिख रहा है, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने उससे पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है। अब ये जो सी है, मैंने आपको कई बार बताया है कि ये हमेशा इंडेफिनेट में रहता है, इसलिए व्हाट कैन यू सी बोल सकते हो या व्हाट डू यू सी बोल सकते हो, व्हाट आर यू सीइंग बोलना गलत होगा। तो इसके बाद आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, कह रहे मुझे कुछ ब्यूटीफुल मैदान दिख रहे हैं, आई सेड, मैंने कहा, एंड और अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और कुछ जॉली चिल्ड्रन भी दिख रहे हैं। अब जॉली का मतलब क्या होता है, जॉली मतलब चीयरफुल और हैप्पी, मतलब हसमुख या खुश, जो बहुत खुश है उनको बोलते हैं जॉली। तो कह रहे कि मुझे बहुत सारे जॉली चिल्ड्रन दिख रहे हैं और कुछ ब्यूटीफुल ग्राउंड्स दिख रहे हैं, मैदान दिख रहे हैं। इट पेन्स मी, दो हालांकि, कह रहे दो मतलब हालांकि, तो इट पेन्स मी, मुझे दर्द होता है, टू सी, देख कर दैट की, दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, कि वे सभी सो हेल्दी और एक्टिव लुकिंग नहीं है। तो अभी वो खिड़की से देख रहा है तो कह रहा मुझे ऐसा तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, हालांकि ये देखकर कि दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, कि वे सभी काफ़ी हेल्दी और एक्टिव लुकिंग नहीं है। जैसे आपने देखा सक्रिय बोलते हैं जो एक्टिव हो, और एक्टिव लुकिंग मतलब दिख रहा है कि हाँ ये बंदा फुर्तीला है, एजाइल है और हेल्दी है, बट जो नहीं दिख रहा तो वही कह रहे हैं कि ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे थे वो बच्चे। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया, आई सो, मैंने देखा, वन पुअर लिटल गर्ल, एक बेचारी छोटी लड़की, पुअर मतलब गरीब नहीं है, बेचारे से यहाँ पे सेंस है। तो जब मैं अंदर आया मैंने देखी एक बेचारी छोटी सी लड़की, बींग लेड अबाउट, जिसको राह दिखाया जा रहा था, जिसको हाथ पकड़ कर लीड किया जा रहा था, अबाउट मतलब इधर उधर। तो ये जो है, अगर आप ध्यान से देखो, बींग प्लस थर्ड फॉर्म, बींग के 6 यूजेस मैंने आपको करा दिए, देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर रिलेटिव प्रोनाउन लिख दें, हु वॉज बींग लेड, तो हु वॉज को उड़ा दिया रिलेटिव प्रोनाउन को, बचा क्या, बींग लेड। तो सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, अगर मैथमेटिक्स की आपको बाहर निकालना, ऊपर नीचे करना, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं तो आप समझ सकते हैं। तो जब मैं अंदर आया मैंने पुअर लिटिल गर्ल को देखा, जिसको इधर उधर हाथ पकड़ के लीड किया जा रहा था। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज़, तो उसकी आँख में कुछ तकलीफ थी। नाउ अब आई कैन सी टू मोर, अब मैं दो और भी देख सकता हूँ, विद द सेम डिफ़िकल्टी, उसी तकलीफ के साथ, मतलब उनकी भी कहीं ना कहीं आइज़ में प्रॉब्लम है। एंड और देर इज़ अ गर्ल, और एक लड़की है, विद अ क्रच, एक क्रच के साथ, क्रच क्या होता है, बैसाखी, जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं वो बैसाखी का सहारा लेकर चलते हैं, तो अ टाइप ऑफ स्टिक दैट यू पुट अंडर योर आर्म टू हेल्प यू वॉक व्हेन यू हैव हर्ट योर लेग और फुट, वो जो छड़ी होती है आप अपने इधर आर्म के नीचे, अंडर योर आर्म रखते हैं और फिर चलते हैं, तो उसको बैसाखी बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि और देर इज़ एक लड़की है जिसके पास एक क्रच है, क्रच मतलब बैसाखी, वॉचिंग, जो देख रही है द अदर्स, दूसरों को, एट प्ले, खेलते हुए, एट प्ले का मतलब है जो उस खेल में सब मगन है उनको देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, अब यहाँ पे देखिए सीम टू बी प्लस एक नाउन, तो ये क्यों यूज़ हुआ, ये भी वही कॉन्सेप्ट है सीम वाले लेसन में, 9 रूल बताए हैं, देख लीजिएगा, ईजिली समझ में आएगा।
तो सिंपल में बता देता हूँ, इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि शी इज होपलेस क्रीपल, शी इज अ होपलेस क्रीपल, ऐसा लगता है कि वो होपलेस क्रीपल है। तो शी इज जो है हमने बोला इट सीम्स, तो इट को रिप्लेस कर दो शी के साथ और इज हमारा रिप्लेस हो जाता है टू बी में, ये होगी एडवांस स्ट्रक्चर। तो वो ऐसा लग रही है जैसे वो होपलेस, होपलेस मतलब जिसको कोई आशा ही नहीं है, विदाउट होप है। और क्रिपल मतलब क्या होता है, अपंग, जिसका कोई ना कोई बॉडी पार्ट काम ना करे उसको बोलते हैं अपंग यानी कि क्रिपल। तो ये वर्ड याद कर लेना, कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। तो वो ऐसी दिख रही है जैसे वो होपलेस अपंग है, जिसको कोई आशा ही नहीं है किसी चीज़ की। अब इसके बाद अब देखिए साइड में भी वर्ड आ रहे हैं, एट प्ले मतलब प्लेइंग, होपलेस मतलब अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यशाली, विदाउट होप जिसको कोई आशा ना हो। नेक्स्ट इज मिस बीम लाफ्ड, अब मिस बीम जो है वो हंसी, वो हंसती है, ओ नो शी सेड, उसने कहा, अब वो हंसती है और फिर बोलती है ओ नो, फिर क्या बोलती है, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो सच में लेम नहीं है, लंगड़ी नहीं है, लेम मतलब क्या होता है लंगड़ा, तो वो सच में रियली लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, ये तो उसका लंगड़े वाला दिन है। तो लेम डे मतलब डे ऑन विच शी एक्ट्स एज इफ शी वॉज लेम, मतलब वो दिन जिस दिन वो एक्ट करती है एज इफ शी वॉज लेम। अब आप यहाँ पे ये भी देख लीजिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, ये मैंने आपको एज इफ वाले लेसन में करा रखा है, एज इफ एज दो, तो ये हमारा पास्ट में होता है कि वो बोल तो ऐसे रहा है जैसे अमिताभ बच्चन हो, वो चल तो ऐसे रहा है जैसे सलमान खान हो, ये वाले हमने स्ट्रक्चर किए थे, तो एज इफ वहाँ पे यूज़ होता है। तो लेम डे मतलब जिस दिन लंगड़ा बना जाता है, तो कह रही है वो सच में लेम नहीं है, लंगड़ी नहीं है, ये तो उसका सिर्फ लेम डे है, लंगड़े होने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, दूसरे भी ब्लाइंड नहीं है। अब आप ये देखिए कई लोग बोलते हैं भी के लिए इवन का यूज़, इवन का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में मोस्टली हम आइदर का यूज़ करते हैं, जैसे मैं भी नहीं जा रहा हूँ, हम बोल देते हैं आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग, तो ऑल्सो लगाना वहाँ पे गलत है, इवन फिर भी लग सकता है। तो हमें बोलना चाहिए The others are not blind either. Either मतलब भी, तो negative sentence में either का use होना चाहिए। तो मैं भी वहाँ नहीं था, I was not there either. वो भी वहाँ नहीं था, he was not there either. इस तरह से तो either कई लोग इसको पढ़ते हैं, मैं either पढ़ता हूँ, तो आप either पढ़े वो आपकी इच्छा। तो अब मिस बीम बता रही है कि वो सच में लेम नहीं है, ये तो उसका लेम डे है, और बाकी ब्लाइंड नहीं है, ब्लाइंड भी नहीं है, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये तो उनका अंधे होने का दिन है। ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा। तो आगे आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, कह रहा है कि मैं बहुत ही आश्चर्यचकित दिखा होऊंगा। तो यहाँ पे मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव का चैप्टर थर्ड फॉर्म, तो मैं जरूर सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, हैरान दिखा होऊंगा। फॉर, क्योंकि शी लाव्ड अगेन, क्योंकि वो फिर से हंसी, तो जब वो उसने उसको ये सब बताया तो वो मिस बीम हंसी होगी, तो उसको लग रहा है नरेटर को कि आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, कि मैं बहुत हैरानी में लगाऊंगा उनको। तो इसके बाद दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर सिस्टम, कि ये हमारे सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, टू मेक आर चिल्ड्रन अप्रिशिएट, कि हमें बच्चों को ऐसा बनाना जो अप्रिशिएट करें। ये हमारा मेक पॉजिटिव वर्ब, मेक समवन, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो किसी से कोई काम करवाना, कह रहे हैं कि बच्चों को, बच्चों से सराहना करवाना, अप्रिशिएट कराना, अप्रिशिएट मतलब तारीफ कराना, तो टू मेक आर चिल्ड्रन अप्रिशिएट, हमारे बच्चों से तारीफ करवाना, एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, और उनकी उनको समझने में मदद करना कि मिसफॉर्चून क्या है, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य, तो इसको आप याद कर ले, मिसफॉर्चून एक ऐसा इवेंट या एक्सीडेंट दैट ब्रिंग्स बैड लक और डिजास्टर, दुर्भाग्य, विपत्ति या अनर्थ, तो इसको बोलते हैं मिसफॉर्चून। अब यहाँ पे टू मेक आर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, बच्चों को समझाना मिसफॉर्चून क्या है, बैड लक क्या है, तो ये करने के लिए वी मेक देम शेयर, हम उनसे शेयर करवाते हैं इन मिसफॉर्चून टू, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, कह रहे हम दुर्भाग्य में भी उनसे क्या करवाते हैं, शेयर कराते हैं, शेयर मतलब
कोई जैसे मान लो एक अंधा है, अंधा होने के बावजूद भी, तो इन मिसफॉर्चून टू, तो अंधा होना एक मिसफॉर्चून है, तो उसमें भी हम उनको सिखाते हैं कि हेल्प कैसे करनी है, अप्रिशिएट कैसे करना है, ये मतलब है इसका। तो पूरा मतलब हुआ कि बच्चों से अप्रिशिएट करवाना, अंडरस्टैंड करवाना कि मिसफॉर्चून क्या है, तो हम उनसे शेयर करवाते हैं उनके मिसफॉर्चून में भी कि वो बांटें। ईच टर्म मतलब जैसे हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, उसी तरह से इनका एक टर्म है, तो हर टर्म में अलग अलग टर्म्स होंगे, तो हर टर्म में एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर टर्म में हर बच्चे का एक ब्लाइंड दिन होता है, अंधे का दिन, वन लेम डे एक लंगड़े का दिन, वन डेफ डे, डेफ मतलब बहरा, उस दिन वो बहरे बनते हैं, वन इंजर्ड डे एक इंजर्ड का दिन होता है, जैसे कोई चोट लग गई हो, एंड वन डम डे, डम मतलब गूंगा, एक गूंगे होने का दिन। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, तो अंधे वाले दिन के दौरान देयर आईज आर बैंडेज्ड, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्यूटली मतलब उनकी आंखों पे पूरी तरह से पट्टी बांध दी जाती है, एंड और, अब यहाँ पे ये जो बैंडेज है इसका मतलब पट्टी बांधना, ये हमारा पैसिव वॉइस है, तो उनकी आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांध दी जाती है, एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। तो अब यहाँ पे पहले इसको समझ लें फिर आपको पूरा मतलब बता देता हूँ। ऑन वंस ऑनर, ये एक idiom है, इसका मतलब होता है यूज्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंसियरिटी, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम अपनी सिंसियरिटी दिखाते हैं, अपनी प्रॉमिस दिखाते हैं कि हमने हाँ प्रॉमिस किया, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम देखेंगे नहीं किसी को, तो ये हमारी प्रॉमिस है। तो जब हम ये बताना चाहें कि ये उसकी प्रॉमिस है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे दे आर ऑन देयर ऑनर, दे आर ऑन देयर ऑनर मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है, एज जेंटलमैन नॉट टू चीट मतलब जेंटलमैन रहेंगे, चीटर नहीं बनेंगे। सेम दे आर ऑन देयर ऑनर मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया है, अब यहाँ पे देखिए आर ऑन देयर ऑनर हैव प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया है नॉट टू पीप कि वो झांकेंगे नहीं, तो पीप मतलब झांकना, तो आंख से पट्टी हटाकर वो झांक भी सकते हैं, लेकिन ये उनकी इज्जत का सवाल है। तो ये हो गया idiom on one's honor। The bandage is put, बैंडेज पहना दी जाती है, डाल दी जाती है, ऑन पुट ऑन, पुट ऑन मतलब होता है पहनना, तो बैंडेज इज पुट ऑन, बैंडेज पहनी जाती है, पट्टी पहनी जाती है, ओवरनाइट मतलब रात के पूरी रात के समय, सो ताकि दे वेक ब्लाइंड ताकि वो अंधे ही उठें, अब रात को उनके पहले पट्टी बांध दी ताकि वो दिन में उठें तो अंधे ही उठें, ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के पट्टी बांधनी है। दिस मीन्स इसका मतलब होता है दैट कि दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब है कि उनको हर चीज़ में मदद चाहिए होगी, तो हेल्प विद एवरीथिंग मतलब हर काम में उनको मदद चाहिए होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन, बाकी बच्चों को दे दिया जाता है, पैसिव वॉइस दे दी जाती है क्या, द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम उनकी मदद करने की ड्यूटी, एंड और लीडिंग देम अबाउट, और उनको ड्यूटी दी जाती है एक तो हेल्प करने की और उनको लीड करने की, लीड मतलब रास्ता दिखाने की, देम अबाउट मतलब उनको इधर उधर, अबाउट मतलब वो जो एरिया इधर उधर जाने में, तो उसको अबाउट बोलते हैं इधर उधर के लिए, और लीड अबाउट मतलब इधर उधर उनको गाइड करने के लिए, तो ऐसी ड्यूटी उनको दे दी जाती है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, ये सभी इस तरह से बहुत कुछ सीखते हैं, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, ब्लाइंड भी और हेल्पर्स भी, मदद करने वाले भी, दोनों बहुत सीखते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड देखिए, देयर आईज आर बैंडेज्ड, इसका मतलब है दे आर ब्लाइंड फोल्डेड, ब्लाइंड फोल्डेड मतलब अंधे बना देते पट्टी बांध कर। इसके बाद नेक्स्ट, अब आप देख रहे होंगे कितने सारे वर्ड आ रहे हैं, कैसे एक्सप्लेनेशन हो रही है इसकी, तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए भी। तो वैसे तो मैंने बहुत बार कहा आपको कि आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करके वहाँ से इंग्लिश को सीखें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट खुद समझ में आएंगे, एक भी रूल बाहर से नहीं है। आगे लिखा है देर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, तो मिजरी क्या होता है, मिजरी मतलब क्या होता है, कष्ट पीड़ा दुख, दुख कष्ट तकलीफ पीड़ा, इसको बोलते हैं मिजरी। तो ये
डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इसका मतलब किसी के कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड्स। देर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, इसमें मतलब कोई दुख कष्ट वगैरह नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम फिर कंटिन्यू करती है। एवरीथिंग इज़ वेरी काइंड, हर चीज़ बहुत ही काइंड है, मतलब बढ़िया है, दयालु है, सॉरी एवरी वन इज़ वेरी काइंड, हर कोई दयालु है। काइंड मतलब होता है दयालु, तो हर कोई बहुत दयालु है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये सच में एक बहुत ही बढ़िया गेम है। बिफोर द डे इज़ ओवर, इससे पहले कि दिन ख़त्म हो, दो हालांकि, तो ये हालांकि जो है आप यहाँ भी लिख सकते हैं, हालांकि इससे पहले कि दिन ख़त्म हो, इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, कह रहे हैं यहाँ तक कि, इवन मतलब यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा थॉटलेस चाइल्ड है। अब थॉटलेस का मतलब क्या होता है? थॉटलेस मतलब विचारहीन या लापरवाह, जो सोच ही नहीं सकता है, विचार ही नहीं आते, लापरवाह है टोटली, नेग्लिजेंट भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि हालांकि दिन ख़त्म होने से पहले, यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा थॉटलेस चाइल्ड है, रियलाइजेज, उससे भी एहसास हो जाता है। रियलाइज मतलब एहसास होना, क्या एहसास हो जाता है? व्हाट मिसफॉर्च्यून इज़, कि बैड लक या दुर्भाग्य क्या है। तो इसके बाद अब देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, थॉटलेस इज़ केयरलेस, लापरवाह, और जिसको कोई विचार ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है किसी की, थॉटलेस, तो उसको भी महसूस हो जाता है कि असली चीज़ क्या होती है, क्योंकि दे आर गेटिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आगे लिखा है, द ब्लाइंड डे इज़ रियली द वर्स्ट, कह रहे हैं कि जो ब्लाइंड डे है वो सच में क्या है, सबसे बेकार। वर्स्ट मतलब सबसे बेकार, और ऑफकोर्स मतलब क्या होते हैं, जब हम बोलते हैं कि नेचुरली या सर्टेनली, ऐसा तो है ही, स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से, पक्का, तो कह रहे हैं ब्लाइंड डे सच में, नेचुरली सर्टेनली, सच में सबसे बुरा है। बैड वर्स वर्स्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए द का भी यूज़ हुआ है। तो ब्लाइंड डे सच में सबसे बुरा है, बट लेकिन सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट, लेकिन कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, कि जो डम डे है, डम डे मतलब गूंगा होने का दिन, वो सबसे मुश्किल है, कुछ बताते हैं। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स, तो हम बच्चों के मुंह पे पट्टी नहीं बांध सकते हैं, सो इसीलिए दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, तो उनको अपनी विल पावर को एक्सरसाइज करना पड़ता है। एक्सरसाइज मतलब उनको अपनी विल पावर को यूज़ करना पड़ता है खुद से। अब जैसे मैं हूँ, अगर मुझे बोल दिया जाए कि मुझे नहीं बोलना है, तो पट्टी भी नहीं बंधी, पट्टी बांध दी जाए तो हो सकता है मैं कुछ साउंड ही करूँ सिर्फ, लेकिन अब पट्टी नहीं बंधी, अब मुझे अपनी विल पावर यूज़ करना पड़ेगा, मुझे नहीं बोलना, तो इसको बोलते हैं एक्सरसाइज वंस विल पावर। कम इन टू द गार्डन, गार्डन में आओ एंड सी, और देखो फॉर योर सेल्फ, खुद, तो कम एंड सी फॉर योर सेल्फ, इसका मतलब क्या है, गार्डन में आकर खुद देखो, हाउ, कैसे द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, चिल्ड्रन कैसा महसूस करते हैं इस चीज़ को लेकर। नेक्स्ट इज मिस बीम लेड मी, मिस बीम मुझे लेकर गई, लीड लेड सेकेंड फॉर्म, लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स, कह रहे हैं कि जो बैंडेज्ड गर्ल्स है, बैंडेज्ड मतलब क्या है यहाँ पर, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है पट्टी बंधी हुई, तो मिस बीम मुझे लेकर गई वन ऑफ, उनमें से एक के पास, किसके पास, बैंडेज्ड गर्ल में से एक के पास लेकर गई। हेयर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, मतलब यहाँ पे एक जेंटलमैन तुमसे बात करने आए हैं, सेड मिस बीम, मिस बीम ने कहा, एंड लेफ्ट अस, और हमें छोड़ के चली गई। अब डोंट यू एवर पीप, क्या तुम कभी झांकते नहीं हो, मतलब पट्टी उठा के देखते नहीं हो। आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा, ओ नो शी एक्सक्लेम्ड, तो उसने कहा, एक्सक्लेम मतलब होता है कहना, बट ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसीलिए सेड हमारा बदलता है एक्सक्लेम्ड में, तो नरेशन का वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा बिल्कुल ईजी वे से। तो ओ नो शी एक्सक्लेम्ड, तो वो कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम नहीं झाँकते, दैट वुड बी चीटिंग, ये चीटिंग होगी। अब यहाँ पे वुड का यूज़ मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, ये चीटिंग होगी, चीटिंग मतलब धोखा, ये धोखा होगा। बट लेकिन आई हैड नो आइडिया
इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. कह रही कि बट आई हैड नो आइडिया, मुझे आइडिया नहीं था कि क्या आइडिया नहीं था, इट वॉज सो ऑफुल कि ये इतना गंदा होगा, इतना बुरा होगा. तो ऑफुल मतलब क्या होता है, कोई अगर बंदा दिखने में ख़राब दिखे, कपड़े ख़राब डाले, तो हम कहेंगे बहुत भद्दा है, ऑफुल है. ऐसी बुरा कोई भी चीज़ वेरी बैड और अनप्लेजेंट हो तो हम बोलते हैं ऑफुल है. तो क्या वो लड़की बोल रही है, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. कह रहे टू बी ब्लाइंड, ब्लाइंड होना इतना बेकार है, मुझे इसका आइडिया नहीं था. यू कैन नॉट सी अ थिंग, आप कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट, यू फील तुम्हें ऐसा महसूस होता है, यू आर गोइंग टू बी हिट कि तुम टकराने वाले हो. तो टू बी हिट तो तुम टकराने वाले हो बाई समथिंग, किसी चीज़ से, एवरी मोमेंट, हर मोमेंट. तो हर समय ऐसा लगता है तुम किसी चीज़ से टकराने वाले हो. इट्स सच अ रिलीफ, और ये बहुत ही रिलीफ है, एक आराम है, जस्ट टू सिट डाउन, मतलब सिर्फ बैठ जाओ बस. तो ये बहुत रिलीफ का काम लगता है. फिर इसके बाद, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम्हारे हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या वो तुम्हारे प्रति दयालु हैं. फेयरली, अब वो लड़की कह रही है फेयरली. अब फेयरली का मतलब क्या है, ये भी समझ लें, इंपॉर्टेंट है. फेयरली मतलब इन एन एक्सेप्टेबल वे, इन अ वे दैट ट्रीट्स पीपल इक्वली और अकॉर्डिंग टू द लॉ और रूल्स. अगर रूल्स कुछ रखे गए हैं और रूल के अकॉर्डिंग कोई किसी को ट्रीट कर रहा है तो हम बोलेंगे इट्स फेयर, राइट. तो फेयरली ये एडवर्ब है, और अगर वैसे नॉर्मली कह रहा हूँ तो इट्स फेयर मतलब ये रूल के हिसाब से सही है. और कई बार हम भी बोलते हैं इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है. तो उचित रीति से, निष्पक्षतापूर्वक. जैसे आई फेल्ट दैट द टीचर डिड नॉट ट्रीट अस फेयरली, मुझे ऐसा लगा कि टीचर ने हमसे फेयरली, रूल के अकॉर्डिंग या इक्वली ट्रीट नहीं किया. तो जैसे उन्होंने पूछा, जैसे मैं ये कह रहा है नरेटर, आई आस्क कि क्या तुम्हारे हेल्पर्स भी काइंड है तुमसे, तो मैंने कहा फेयरली मतलब हाँ, रूल के हिसाब से फेयर है, वो सही है. बट लेकिन दे आर नॉट, लेकिन वे नहीं है एज केयरफुल एज आई शैल बी वेन इट इज़ माई टर्न. कहते जब मेरी टर्न होती है तो जैसा मैं होती हूँ तो उतने नहीं है वो. दोज अवे दैट हैव बिन ब्लाइंड, जो ब्लाइंड रह चुके हैं. तो ये हमारा पार्ट टू का एक लेसन मैंने आपको कराया था, रह चुका है. तो वहाँ हैज़ बिन, हैव बिन एक एडजेक्टिव के साथ भी हम लगाते हैं. कह रहे दोज वे दैट जो हैव बिन ब्लाइंड, जो ब्लाइंड रह चुके हैं ऑलरेडी, वो पहले ही आर द बेस्ट हेल्पर्स. तो वो सबसे बेस्ट हेल्पर होते हैं, बिकॉज वो अगर कोई अंधा रह चुका है तो उसको पता है कि कैसा महसूस होता है, तो वही अच्छी हेल्प कर पाएगा. तो वही कह रहे हैं कि वे जो पहले अंधे रह चुके हैं तो वो सबसे बेस्ट हेल्पर होते हैं. और ये कह रही है कि यहाँ पे बट लेकिन वो उतने केयरफुल, मतलब वो वैसे नहीं है एज़ केयरफुल एज़ आई शैल बी, जैसा उन मुझे, जैसा मैं हूँ जब मैं होती हूँ, जब मेरी टर्न आती है, वो उतने केयरफुल नहीं है. इट्स परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी. अब यहाँ पे पहले मीनिंग समझ लें. गास्टली मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और बैड, जो बहुत ही बुरा हो, अत्यंत अप्रिय और हानिकारक. और नॉट टू सी मतलब क्या होता है, देखने में असमर्थता, देखने में देखने की एबिलिटी ना होना, न देख पाना इन शॉर्ट. तो कह रहे हैं इट इज़ परफेक्टली गास्टली, मतलब ये पूरी तरह से बहुत ही बुरा है. क्या बुरा है, न देख पाना, तो इसका ये मतलब है. आई विश यू ट्राई, काश तुम भी ट्राई करो. ये हमारा आई विश का चैप्टर है, तो काश तुम भी इसको एक बार ट्राई करो, आप भी ट्राई करो. शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क, मैंने पूछा शैल आई लीड यू, मैं तुम्हें कहीं पे लेकर चलूँ. तो शैल मतलब जब हम किसी से कोई चीज़ बोलते हैं, मैंने आपको एक ऊ फॉर्मेशन कराया था, उसमें शैल का यूज़ था, देख लीजिएगा पार्ट टू में ही है, लास्ट के लेसन्स में, वर्कबुक पार्ट टू में. तो शैल आई लीड यू एनीवेयर, क्या मैं तुम्हें कहीं पे लेके चलूँ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा. इसके बाद ओ यस शी सेड, उसने कहा जी जरूर, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, तो चलो थोड़ी सी सैर पे चलते हैं, वॉक पे चलते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी, और सिर्फ आपको ही बताना होगा मुझे अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में, जो भी आएगी आसपास, कि मुड़ जाओ इधर वो है,
आपको बताना होगा। आई शैल बी सो ग्लैड, और मैं बहुत खुश होऊंगी व्हेन, जब टुडे इज ओवर, जब आज का दिन ख़त्म होगा, तो मैं बहुत खुश होऊंगी जब आज का दिन ख़त्म होगा। The other bad days, जो दूसरे बुरे दिन हैं, cannot be half as bad as this, कह रहे वो ये जो ब्लाइंड होना है इससे आधा भी बुरा नहीं हो सकता है। ब्लाइंड होना बहुत बुरा है, तो बाकी के दिन ब्लाइंड होने का जो आधा तकलीफ है उससे कम तकलीफ देने वाले हैं, ये मतलब है इसका। The other bad days can't be, जो बाकी के बुरे दिन हैं वो नहीं हो सकते हैं आधे बुरे भी इस दिन से। Having a leg tied up, कह रहे हैं पैर को बांधना, and hoping about, और फुदकना, होप मतलब होता है फुदकना, कूदना, तो पैरों का बंधा होना और कूदना, अबाउट ऑन अ क्रच, उस बैसाखी के सहारे, इज ऑलमोस्ट फन, वो तो एक मज़ा है आई गेस, मुझे लगता है। तो वो लड़की कह रही है कि भाई पैर को बांध के और इधर उधर फुदकना एक क्रच के साथ, एक बैसाखी के साथ, वो ऑलमोस्ट लगभग एक मज़ा ही है आई गेस, मुझे लगता है। हैविंग एन आर्म टाइड अप, कह रहे हैं कि हाथ को भी बांधना, बाजू को बांधना, आर्म मतलब होती बाजू, हैविंग एन आर्म टाइड अप, एक बाजू को बांध कर बांधना, इज अ बिट मोर ट्रबलसम, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ट्रबलसम मतलब होता है तकलीफ देह, तकलीफ देने वाला, यानी कि डिफिकल्ट। तो कह रहे बाजू को बांधना भी क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ट्रबलसम है। इस ट्रबलसम से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे कि होलसम, नॉइसम, इस तरह के वर्ड्स आते हैं बहुत सारे। तो ये थोड़ा तकलीफ दे है उससे ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप किसी की मदद के बिना नहीं खा सकते हैं, एंड और थिंग्स लाइक दैट, और इस तरह की और भी चीज़ें। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई विल माइंड, कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी बींग डैफ, डैफ होने में, डैफ मतलब जिसको ना सुने, तो मुझे बींग डैफ होने में, यानी कि बहरा होने में कोई तकलीफ नहीं होगी फॉर अ डे, एक दिन के लिए, एट लीस्ट नॉट मच, एट कम से कम ज़्यादा नहीं। बट लेकिन बींग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना, बींग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, ये बहुत ही बुरा है। तो ये जेरेंड का यूज़ हुआ है बींग, अब आप देख रहे हैं बींग के कितने सारे यूजेज हैं, एक भी बींग का कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ा नहीं है, आपको 6 यूजेज ऑफ बींग करा रखे हैं, उनसे बाहर कुछ भी आपको कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं कि अंधा होना सच में बहुत ही भयानक है, फ्राइटनिंग मतलब डराने वाला, भयभीत कर देने वाला। माई हेड, मेरा सिर, एक्स यानी कि दर्द, एक्स यानी कि एक मतलब होता है दर्द होना, तो इसको अच्छी नहीं बोलते, एक बोलते, जैसे हेड एक, बैक एक, लैग एक, नेक एक, तो उसी तरह से मेरा सिर एक्स यानी कि दर्द होता है ऑल द टाइम, पूरा हर पूरे समय, जस्ट फ्रॉम वरिंग, सिर्फ ये सोचकर दैट कि आई विल गेट हर्ट, कि मुझे कहीं चोट ना लग जाए। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पर हैं, अब वो बोलते हैं इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, मैंने कहा प्ले ग्राउंड में, वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम हाउस की तरफ जा रहे हैं, मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन, तो मिस बीम जो है वो वॉक कर रही है आगे पीछे, अप एंड डाउन मतलब इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, मान लो ये पार्क है तो इधर 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 जाना, इसको बोलते हैं अप एंड डाउन। तो मिस्टर बीम जो है, मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन, वो अप एंड डाउन वॉक कर रही है गार्डन में विद अ टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की के साथ। वट इज़ द गर्ल वेयरिंग, लड़की ने क्या पहना हुआ है, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी दोस्त ने कहा, यानी कि इस छोटी लड़की ने कहा, और नरेटर बोल रहा है कि मेरी छोटी दोस्त ने कहा, जिसके साथ वो उसको लीड कर रहा है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, तो उसने क्या पहना हुआ है, ब्लू कॉटन की स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली, मुझे लगता है ये मिली है, शी सेड, उसने कहा। वट कलर इज़ हर हेयर, उसके बाल किस रंग के हैं, वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा बहुत ही हल्के हैं, लाइट कलर के हैं। यस दैट्स मिली, हाँ वो मिली ही है। She is the head girl, वो head girl है।
देर इज एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन है टाइंग अप रोजेज, आई सेड, मैंने कहा, तो एक ओल्ड मैन है जो टाई कर रहा है, टाई करना मतलब होता है बांधना, जो रोजेज को बांध रहा है, ये देख रहे हैं आप, तो फूलों ये जो रोज है कम जो रोज है उसको बांध रहा है वो. यस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर है, ही इज़ द गार्डनर, वो माली है. देखिए गार्डनर की स्पेलिंग क्या होती है, मैं जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना, मान लो 100 बच्चे हैं, 100 में से 80 स्टूडेंट्स की गार्डनर की स्पेलिंग ही गलत होती है. मैं ठीक करता हूँ बार बार, फिर भी गलत करते हैं, वो ई यूज़ नहीं करते हैं. आप सोचो गार्डन की स्पेलिंग यहाँ तक है, ई आर ई तो लगाना है, तो ई आप क्यों खाते हैं, तो इसको ठीक कर लेना. तो ही इज़ द गार्डनर, वो गार्डनर है, ये स्पेलिंग ठीक है. ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो 101 साल के हैं. एंड हेयर कम्स अ लिटल गर्ल, और एक लड़की आ रही है विद करली रेड हेयर, लाल घुंघराले बालों के साथ. करली मतलब घुंघराले, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं घुंघराले बाल, रेड हेयर, राइट. तो वो आ रही है, शी इज़ ऑन क्रचेज, वो क्रचेज पे है, यानी कि बैसाखी. अब आप ये देख रहे हैं, ये है क्रचेज, बैसाखी. दैट्स अनीता, शी सेड, उसने कहा ये अनीता है. अब इसका लास्ट पैराग्राफ, एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस तरह से हम और भी चलते रहे. ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, आई डिस्कवर्ड दैट, मैंने पाया कि, मैंने खोजा कि, आई वॉज 10 times मोर थाटफुल, मैं 10 गुना ज़्यादा ही थाटफुल था देन, किसके कम तुलना में, आई एवर थाट आई कुड बी, जो मैंने सोचा था कि मैं हो सकता हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा थाटफुल था. आई ऑल्सो रियलाइज दैट, मुझे ये भी एहसास हुआ कि इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू सम वन एल्स, कह रहे हैं कि अगर मुझे ये एहसास हुआ, एहसास किया मैंने, रियलाइज़ किया कि अगर, इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब, अगर मुझे वर्णन करना हो लोगों का या वस्तुओं का टू समवन एल्स, किसी और को, तो इट मेड देम, ये जो चीज़ है, ये वाली जो कला है, ये मेड देम मोर इंटरेस्टिंग, ये उन चीज़ों को मतलब उन पीपल को, थिंग्स को डिस्क्राइब करना, वो उसको और भी ज़्यादा मोर इंटरेस्टिंग बनाती है टू मी, मेरे लिए. तो अभी इस तरह की स्किल अगर आ जाए तो पीपल को, थिंग्स को डिस्क्राइब करना कितना ईजी हो जाता है, इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग एंड फन. When I finally had to leave, और जब मुझे आखिरकार finally मतलब आखिरकार जब मुझे जाना पड़ा, I told Miss Beam, मैंने Miss Beam से कहा that कि I was very sorry to go, मतलब मुझे बहुत दुख है कि मैं जा रहा हूँ. ओ शी रिप्लाइड, अब उसने Miss Beam ने कहा, ओ ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. देन फिर, अब वो, अब ये भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये भी शी के एग्जैक्ट वर्ड. देन देर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम, कह रहे कुछ तो है मेरे सिस्टम में, आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल मतलब वास्तव में, इन रियलिटी. तो कह रही ओ मेरे सिस्टम में कुछ तो ऐसी बात है आफ्टर ऑल, राइट. तो ये था हमारा पूरा का पूरा लेसन, मैंने आपको पूरा लेसन पढ़ा दिया है. तो ये क्वेश्चन आंसर है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं. तो कैसा लेसन लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. एंड गाइज मिस मत करें इस अपॉर्चुनिटी को, इंग्लिश इस वजह से आपको शायद कोई ही पढ़ा पाए, तो आप मेरे कोर्स से इंग्लिश सीख लें, उसके बाद आप कुछ भी पढ़िएगा आपको बहुत आसानी से समझ आएगा. आप स्पीकिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, एसे लिख सकते हैं, ईमेल राइटिंग कर सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो. तो आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप को डाउनलोड करें, मेरा 1 ईयर का कोर्स जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे 600+ वीडियोज़ हैं, मेरी 3 वर्कबुक्स की PDF है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि फुल कोर्स है, फुल मतलब फुल, और सब कुछ उसमें है, सब कुछ मतलब सब कुछ. तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके टाइप करें बिकम इंग्लिश चैम्पियन, और उसमें 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है जस्ट 599 रुपीज़, यानी कि एक दिन का सिर्फ 150 रुपया. तो आप ज्वाइन करें और इंग्लिश को इम्प्रूव करें. मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो काफ़ी बड़ी वीडियो होगी, लेकिन इतना तो आप कर ही सकते हो, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और पिछली वीडियो सभी देख लें, और साथ में वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ.